इस मर्तबा हमारा इरादा पचड़ी और डाट की जानिब मौजूद मड वोल्केनोस को तलाश करना था। ये इलाके भी इंगोल नेशनल पार्क का हिस्सा है। अगोर से चलनी किलोमीटर बाद खूबसूरत और दिलकश पहाड़ों का एक सिलसिला शुरू हुआ। कभी तो हमें ऐसा भी महसूस हुआ कि हम जमीन पे नहीं बल्कि मरीख पे सफर कर रहे हैं। कोशिश है, गारंटी नहीं है कि वहाँ से दो वोल्केनो जो V15 और V16 नजर आ सके दूर। अच्छा, ठीक है ना, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मैंने भी मैप में देखा, थोड़े से आगे आ गए। हमें दौरान सफर छोटी मोटी मुश्किलात तो पेश आई, लेकिन फिर उस मुहिम का फायदा ही क्या जिसमें मुश्किलात ना हो। कुछ जगहों पे मट्टी ज्यादा होने की वजह से गाड़ियां फंस भी जाती, लेकिन टीम वर्क और साथियों की एक दूसरे की मदद की वजह से तमाम मुश्किलात से हम बिलाखिर निकल ही आते। उसका सेट देखा है गूगल पे, हमने उसको स्पॉट किया था, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको फिजिकली इनके ऊपर पहुंचा जाए और देखा जाए कितने बड़े इवेंट्स हैं, कितना इनका डिस्चार्ज है। वैदी भाई हमारे गाइड हैं, यू कैन पॉइंट टू हिम। इन्होंने तकरीबन 90 के करीब बड़े वोल्केनो इवेंट्स जो है वो स्पॉट किए हुए हैं गूगल अर्थ पे बलूचिस्तान में। तो वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम विद अस टुडे। थैंक यू सो मच पचड़ी साहब। यहां से आके हमने अपना सफर पैदल ही शुरू किया। हमें ये अंदाजा तो था कि खुश कीचड़ के समंदर को अपूर करने के बाद ही हम अपने मंजिल पर कहीं पहुंचेंगे या उस जगह पे जहां से ये तमाम सिलसिला शुरू होता है। और ये पॉइंट है, दिस इज राइट नाउ डेड, देन दैट वन इज अ बिगर वन दैट्स अलाइव, एंड देन देयर आर पेरिफेरल स्मॉल वंस। अब हमारी तवज्जो सामने वाले मड वोल्केनो की तरफ थी। हमारे चंद साथी पहले ही वहां पहुंच चुके थे। इस मड वोल्केनो में अभी तक जान थी और इससे कीचड़ बह रहा था। हमारे साथी अजीज जमाली ने एक जबरदस्त स्टंट का मुजाहरा भी किया। हाँ बताए जमाली साहब, कहने की यहाँ से वापस जाने के बजाय कासिम से बताएं। बताएं सर क्या हुआ? 1, 2, 3 बताएं क्या हुआ यार? बेसिकली ये हुआ है, ठीक है, इफ यू कैन इमेजिन एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, वी वेंट टू दैट वेंट राइट एट टॉप, यू सी, एंड इट टुक अस एन आवर ऑफ हेल टायरिंग हाइकिंग एंड ट्रैकिंग, एंड the best one who gained most from this was Mr. Mehdi Hussain who was the pointer if not leader in this case, and we named it with the name of Mr. Nisar Kakar who joined us on this special occasion from Quetta all the way.